पठान देखने के बाद मेरा सबसे पहले तो मूड खराब हो गया, क्योंकि अगर आपके पास एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन था दूसरा गाना था तो आपने दो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में क्यों बताया? क्योंकि सबसे पहले तो स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी अगर किसी को पता है, क्योंकि आप स्पाई यूनिवर्स बना रहे हो, तो जो पहले वाला जो डायरेक्टर का नाम आने का एक क्रेडिट सीन है जो कि मिड क्रेडिट सीन टाइप था, वो सभी को पता है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन उसके आगे एक पोस्ट क्रेडिट सीन डालने के बाद इनमें कुछ भी नहीं था, और कहीं भी ऋतिक रोशन का नाम निशान नहीं था, सिर्फ नाम था एज ए कबीर, जो कि मुझे डिसअपॉइंट करता है। और फिल्म भी उतनी भी ज़्यादा बड़ी लेवल की नहीं थी, मतलब उतनी ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि आपको एकदम कैची कैची मोमेंट आपको दिमाग में फंस जाए, जैसे वॉर थी, एक जो वॉर का ट्विस्ट था वो अभी तक मेरे दिमाग में है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को मैंने एज ए डिफरेंट एंगल में कभी बेसी शेप में नहीं देखा था, तो इसी कारण वो जो ट्विस्ट टाइप वाला सीन था ना वो मेरे दिमाग में अभी तक बसा हुआ है। लेकिन फिर भी पठान के साथ ऐसा कोई कैची मोमेंट नहीं था, लेकिन आप लोग इस मूवी को एंजॉय करके निकल जाते हो अगर आप थिएटर एक्सपीरियंस ले रहे हो, क्योंकि सबसे पहले तो एसआरके के फैन, और हमारे यहाँ तो एक फैन क्लब भी आया था आज के शो में, जो कि उन्होंने पूरा शो कवर कर दिया था, और उनकी जो कैटेगरी थी, जिस तरीके उनका बोलने का तरीका था, वो सभी कुछ मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन उनके कारण ये थोड़ी बहुत मूवी बहुत ज़्यादा इंजॉय की, और उतने ज़्यादा मुझे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उनके फैंस पता नहीं पीछे बैठ के क्या क्या कमेंट कर रहे थे। और बाकी की बातें वहीं पर रह जाए तो अच्छी है, और इसी कारण मुझे पे कुछ सिक्योरिटी लगाई गई थी एज पुलिस ऑफिसर जगह पे आए थे दो तीन, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है कभी कोई क्या कर सकता है। अगर कोई जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवी लगती तो हम लोग एज ए प्राउड ऑडियंस उस मूवी को देखते और रिस्पेक्ट करते हर किसी चीज़ की, लेकिन एसआरके की फैन फॉलोइंग पता नहीं मुझे कैसी लगती है यार, एकदम टोटली डिफरेंट थी, इसी का थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया उस जगह पे, लेकिन मूवी इंजॉयबल है, मूवी की स्टोरी सिंपल है, मैंने मूवी की स्टोरी से उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसी की तरह की मूवी की स्टोरी है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मूवी के क्लाइमेक्स में होता है उसके साथ थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, और कुछ कुछ तो एक्सपेक्टेड जैसे जो कि बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन एज ऑडियंस एज ड्रामा मूवी आप लोग इन एक्शन सीन्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो अगर आपने रेस 3 देखी हो तो। पता नहीं किन किन चीज़ों का इस मूवी में रेफरेंस दिया गया है, उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, और उस जगह पे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा उदासी होती है, और बाद में जो कुछ भी की में था एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन पोस्ट के सीन में जो दिखाना था उन्होंने वो दिखाया नहीं है, आगे की मूवी को सेटअप नहीं किया। आपके पास स्टोरी नहीं थी तो पोस्ट क्रिएशन में कुछ तो थोड़ा बहुत हिंट दे देते, लेकिन बस दोनों एक साथ आते हैं और वही पुराना वाला ड्रामा जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता, दो बड़े एक्टर जिनकी पुरानी दुश्मनी है वो तो साथ में आते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, बस ऑडियंस खुश, उनकी जो उनकी ऑडियंस है, लेकिन ऋतिक रोशन का कहीं पर भी नाम निशान नहीं है यार, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन टोटली मूवी का डायरेक्शन अच्छा खासा था, और मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम झेल था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती, कहीं पर भी नहीं, मूवी एकदम फास्ट पेस पे चलती है, और जैसे मूवी की स्टार्टिंग होती है म्यूजिक से एक्शन सीन्स जो होती है वो शुरुआत होती है एक्शन सीन्स की वो ख़त्म ही नहीं होती, बस चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, और इंट्रो के बाद एक कैमियो आता है, पता होगा किसका कैमियो आता है, और उसके बाद स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं लगता, और मूवी थोड़ी बहुत लगती है डाउन जाती हुई, लेकिन फिर भी एक्शन सीन से ना वो थोड़ा बहुत आगे आते हैं और बचा लेते हैं, बस इतना ही, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं पठान में। अगर आपको देखने जाना है तो 4 साल के बाद ये वाली मूवी आना और उसे देखने जाना, ये टोटली आपके ऊपर है, तो बस आज वीडियो में सीखना है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करो, बाद में चैनल से दबा दो और वीडियो शेयर करो, और आपको वो मूवी कैसी लगी कमेंट करिए जरूर बताना, तो बस मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।